नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जिलाधिकारी ने वृद्धजन आश्रम में जाकर सभी वृद्धजनों को हाल जाने और उनके साथ बातचीत करके उनकी इच्छा के अनुसार धार्मिक स्थल का भ्रमण करा दिया। उपहार में दिए गर्म अंग वस्त्र सभी लोगों के चेहरे खिल उठे। आजमगढ़ जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज की धर्मपत्नी अंगिरा भारद्वाज व आकांक्षा समिति की अध्यक्षा 19 दिसंबर को निजामाबाद तहसील के बागौरा में वृद्धजन आश्रम में वृद्धों से मिलने के लिए पहुंची। वह उन्हें आकांक्षा समिति की ओर से निःशुल्क कैंप लगाकर वृद्धजनों से रूबरू हुई और उनके स्वास्थ्य और खाने पीने के बारे में भी बारीकी से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने आश्रम के सभी वृद्धजनों से उनकी इच्छा के बारे में पूछा कि आप लोग कहीं घूमने की इच्छा रखते हैं, तो लोगों ने कहा कि हम लोगों को दुर्वासा धाम घूमना चाहते हैं। डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज ने सभी लोगों के लिए वहां की व्यवस्था का, सभी को दुर्वासा धाम घूमने के लिए गए जहां पर दर्शन पूजन कराया गया और भंडारे की व्यवस्था की गई। सभी लोगों को गर्म अंगवस्त्र, जूते, मोजे, टोपी, स्कार्फ आदि दिए गए जिसे पाकर सभी के चेहरे खिलौटे। इस मौके पर उपजिलाधिकारी निजामाबाद संत रंजन, तहसीलदार कमल कुमार सिंह, नायब तहसीलदार अभिषेक सिंह, नायब तहसीलदार शिवशंकर सिंह एवं राजस्व निरीक्षक लेखपाल एवं आकांक्षा समिति के सदस्य नुपुर गुप्ता, संध्या गुप्ता, संगीता एवं समिति के अन्य लोग भी मौके पर उपस्थित थे। आजमगढ़ से संवाददाता रवि पाठक की रिपोर्ट। चलिए आप लोग एक दो लोग। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।